नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही ओबीसी मोर्चा के सदस्य तरविंदर सैनी के हैं, जिन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान पर घर आकर मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। तरविंदर सैनी ने सबूत के तौर पर भूपेंद्र चौहान से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की है। तरविंदर सैनी का कहना है कि वैसे तो वह भाजपा के कट्टर कार्यकर्ते हैं, लेकिन भूपेंद्र चौहान की कार्यशैली से वो संतुष्ट नहीं है और पार्टी को उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसलिए फेसबुक पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें लिखी, जो भूपेंद्र चौहान को हजम नहीं हुई। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौहान इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं और ऐसे में पार्टी के ही एक कार्यकर्ता द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाना और इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग जारी करना सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी आलाकमान ऐसे मामलों पर संज्ञान लेगी। तरविंदर सैनी जी, किसने आपको धमकी दी और क्यों दी है? देखिए, भूपेंद्र चौहान जी ने मुझे कल फ़ोन करके 1:15 बजे उनका फ़ोन आता है और मुझे जान से मारने की धमकी और मेरी खाल उतारने की और अभद्र गालियां देकर बार बार, पहले भी अपमानित करते रहे जाति सूचक शब्द बोलकर, और मुझे माली की संज्ञा देकर कई बार उन्होंने सभाओं में अपमानित किया। और जो एक पार्टी का कार्यकर्ता, जो उनके समय से ही, लगभग जब से वो भाजपा में, तभी से मैं हूँ और भाजपा में मेरी बहुत भारी निष्ठा है और मैं मोदी जी की और सरकार की और पार्टी की नीतियों को आगे जिस प्रकार से बढ़ा रहा हूँ, उस प्रकार से उनको मेरे से पर्सनल जो उनकी जेलसी है वो वक्त वक्त पर कई बार उभर करके सामने आई। और उन्होंने इसी कारण से मेरा जो पार्टी में प्रमोशन कई बार रोकने का प्रयास किया, जिसकी भी शिकायत मैंने कभी नहीं की और पार्टी संगठन से भी वरिष्ठ संगठन तक हमारी कभी बात पहुंचने नहीं दी और ना ही हमें कभी उनके आगे कभी बोलने के लिए क्या कहा गया आपको अवसर मिला, क्यों कहा गया? देखिए, ऐसा है, मैंने जो पार्टी में जिस निजीता की बात भूपेंद्र चौहान जी करते हैं, उस निजीता के विषय में जो पार्टी में कई बार ऐसे हालात हुए कि विपक्षी दल कई बार आरोप लगाते हैं कि भाई आपके पार्टी में ये चल रहा है, आपकी पार्टी में वो चल रहा है, तो उसी करके मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनके इस्तीफे की मांग की थी और जिससे आक्रोशित होकर भूपेंद्र चौहान जी ने मुझे अभद्र गालियां दी और मुझे घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी और मुझे घर से बाहर निकलते ही जैसे भी है वो ख़त्म करने का उन्होंने वो कहा है। तो मैं भाजपा में इतने वर्षों की सेवा करने के बाद भी अगर एक जिलाध्यक्ष अगर कल को मंत्री बन गया तो ये तो मुझे क्या, मेरे परिवार को जिंदा नहीं बख्शेगा? ये ऐसे घमंडी और आदताई किस्म के जो इनकी प्रवृत्तियाँ रही, मैं उसी के खिलाफ सदैव सोशल मीडिया पे इनके जो है ना आवाज़ उठाता रहा हूँ और जिस कारण इन्होंने जो है ना मेरे ऊपर इस तरीके का जो अभी फ़ोन पे किया है और हमले की धमकी दी है और जिससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ, और लेकिन मेरी निष्ठा आज भी भाजपा के साथ है। तो अब क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलूँगा और इस मामले का जो भी संज्ञान उनके संज्ञान में लाने का प्रयास करूँगा और जिलाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग करूँगा। मैं अपनी मांग से हिलने वाला नहीं हूँ, चाहे इसके लिए भूपेंद्र चौहान मुझे घर आकर गोली क्यों ना मारते। तो क्या आप शिकायत किसको दे रहे हैं आप इसकी? देखिए, अभी मैंने प्राथमिक अपनी सुरक्षा हेतु जो है सेक्टर 5 थाने में अपनी शिकायत दी है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैंने इस बाबत बता दिया है, सूचित कर दिया है। अब जो पार्टी निर्णय लेगी वो है और मेरी तो ये है, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने अपने सेक्टर 5 थाने में प्राथमिकी दर्ज की। क्या आप मानते हैं भूपेंद्र चौहान को अब पार्टी को जिलाध्यक्ष से हटा देना चाहिए? देखिए, मेरी तो मांग यही है कि भूपेंद्र चौहान को इस्तीफा, अगर जिस सुचिता की बात वो स्वयं करते हैं और वो जिस प्रकार के आदर्श पेश कर रहे हैं, उससे लगता है कि इनको जो है ना, अगर इनके अंदर स्वाभिमान की कोई तनिक मात्र भी चीज़ है तो इनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं और अपने पद पर चिपक के बैठे हुए हैं तो पार्टी की जो छवि खराब हो रही है उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इस ओर ध्यान दें और इनके इस्तीफे का तुरंत इनको पदमुक्त करने का कार्य करें। चुनाव का समय है, पार्टी का जिला अध्यक्ष एक अहम भूमिका निभाता है, उसको लेकर के अब क्या आपको लगता है? देखिए, एक जिलाध्यक्ष कभी भी
जब उनके सामने जब कोई सभा हो रही हो तो, और एक मंत्री उनके सामने ही जब इसका फूल मुरझाने और हाथ का पंजा अपनाने की बात करता है तब वह खिलखिलाकर उठते हैं, तो कार्यकर्ताओं पर इसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं सब बातों का जिक्र जब हम करते हैं तो वह हमें हमेशा अपमानित करके और पार्टी में हमारे को प्रताड़ित करते आए हैं। और ऐसे मानते हैं जोड़ने का काम जिलाध्यक्ष जो है ना, पार्टी में किसी को जोड़ने की इनको चिंता नहीं, और ये कहते हैं कि हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं, और कार्यकर्ता अपने आप आकर के अगर पड़ता है तो मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से क्या लेना देना। मेरा पार्टी में पद है जिलाध्यक्ष का, और मुझे जो पद मिला है उसका मैं कैसे भी इस्तेमाल करूं, मेरे ऊपर कोई कुछ आक्षेप लगाने के लिए नहीं है। तो आप क्या आप सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं? जी, मैं सुरक्षा की मांग करूंगा। मुझे एक जिले का अध्यक्ष और इतना सत्तारूढ़ पार्टी का जिलाध्यक्ष है, मैं भी उसी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ओबीसी मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जिस मोर्चे को कभी भी इन्होंने इज्जत दी नहीं, और जिस मोर्चे के कार्यकर्ताओं से इन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया रखा। मुझे कई दफ़ा इन्होंने पर्सनली जो माली शब्द कह के मुझे जाति सूचक शब्द कह करके इतनी बार अपमानित किया, लेकिन मेरी आस्था जो है मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति इतनी अडिग है कि मैं आज भी अपने उसी आत्मविश्वास के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ, और मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इन्होंने मुझे धमकी दी है, मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय मिले। सरकार अगर आम कार्यकर्ता और एक जिले के पदाधिकारी में यदि कोई फर्क नहीं समझती है तो सरकार मुझे भी न्याय दे। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, तो मुझे पार्टी से न्याय की उम्मीद। कल सुबह भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर कई आतंकी शिविरों को जिस प्रकार नष्ट किया उसको लेकर पूरे देश में इसे पुलवामा का बदला बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अब इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे ने नेता हाजी सगीर सईद ने इस अटैक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहीं कोई हमला हुआ ही नहीं है, भाजपा चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब कर रही है। हम चाहते हैं कि अगर यह कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर जो खून खराबा करा रही है भारतीय जनता पार्टी उसका अंत होगा, और जो लोग इसमें मारे गए हमारे आतंकवाद के नाम पे जेलों में बंद है, इन्हें सबको जेलों से छुड़ाया जाएगा। आतंकवाद में मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। जब बुलंदशहर के अंदर सुमित को उनको बजरंग दल के आतंकवादियों को आरएसएस के आतंकवादियों को भाजपा के आतंकवादियों को मुआवजा मिल सकता है, तो कश्मीर में मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? उन्हें जेलों से रिहा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आई तो माइनॉरिटी कमीशन यहां पर लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने ये कत्ल कारण फौज को आदेश देकर कराए हैं, निर्दोष लोगों को मरवाया है, वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो भारतीय जनता पार्टी का, उसे फांसी की सजा दिलाई जाएगी, नया कानून बनाया जाएगा और उन्हें फांसियों पर लटकाया जाएगा, ऐसे भाजपा नेताओं को। पुलवामा आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने आतंकियों को आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जबलपुर में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई। एसपी अमित सिंह के मुताबिक जिले में कई स्थानों में फिक्स पुलिस प्वाइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो चौकन्ने रहे। हालांकि पूरे जिले में अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना नहीं मिली है, फिर भी आने वाले कुछ और समय तक हाई अलर्ट रहेगा और पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी रहेगी। भारतीय सेना विशेष रूप से एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो कार्रवाई आज सुबह के समय अल सुबह की गई है उसके मद्देनजर रखते हुए PHQ द्वारा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। स्थान स्थान पर हमने फिक्स पिकेट लगाने के निर्देश दिए हैं, और इसके साथ ही साथ थाना प्रभारी और CSP स्वयं उपस्थित रहेंगे, लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई फीडबैक जबलपुर के संदर्भ में नहीं है, फिर भी हम अलर्टनेस बनाए रखे हैं। हमारे सारे GOs भी लगातार फील्ड में हैं, और अभी तक जो सूचना है वो किसी भी तरीके का निगेटिव नहीं है। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आगे भी इसी तरीके की चौकसी बरती जाएगी। जबलपुर में चूल्हा गोलाई के आगे पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मृतक की पहचान के प्रयास किए।
जिसके बाद मृतक की शिनाख्त विद्युत विभाग के कर्मचारी राजेंद्र मालवीय के रूप में की गई। मुरादाबाद में हाई स्कूल की परीक्षा देकर घर बाइक से लौट रहे छात्र को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना में दूसरा बाइक सवार भी घायल बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और दुर्घटना की जानकारी घायल छात्र के परिजनों को दी। वहीं जिला के चिकित्सकों ने छात्र की हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं अमरोहा के गांव सुल्तान ठेर के ग्रामीणों ने प्रधान राम सरन के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रधान की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ग्रामीणों में अपनी बात को कहते हुए बताया कि इस गांव की सड़कें इस समय इतनी खराब है कि बच्चों को स्कूल जाना तक दूभर हो गया है और बरसात के मौसम में इन सड़कों पर कम से कम 2 फुट पानी जमा हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसकी शिकायत कई बार प्रधान से कर चुके हैं, लेकिन प्रधान आनाकानी कर देता है। क्या नाम है जी? कहाँ रहते हैं जी? प्रधान थे जी। क्या मामला है आपका? बाहर सड़क नहीं बनी कोई सी भी। तो आपने शिकायत करी प्रधान जी से इसकी? सारी बहुत जगह करी हमने, प्रधान ने मना कर दी। क्या कहते हैं? मैं कई कीमत नहीं चलो सब प्रधान चले जाए मेरी सर। प्रधान चले जाए नहीं बनवाएंगे? नहीं जी, उन्होंने मना ही कर दी बिल्कुल। मेरा नाम राकेश है, सुल्तान ठहर रहने वाला हूँ जी। क्या मामला है? हमारे यहाँ अभी तक 40 साल से कोई काम नहीं हुआ, खड़न जगह और कमर से तबरना बनवाई थी 100 मीटर रोड सीसी, वो भी नहीं हुई अभी तक पूरी। अच्छा, इसकी शिकायत तो आपने की होगी प्रधान जी से? बहुत बार करी है। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? अभी तक नहीं हुई सब। क्या बोलते हैं आप? बोले बनवा देंगे। बनवा देंगे लेकिन उनको बने हुए तो काफी समय हो गया लेकिन अभी तक बनवाई नहीं है। अभी तक नहीं बनवाई। संभल में गोवंश से भरी एक गाड़ी पलट गई। गाड़ी में 7 पशु थे जिसमें 3 की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर